अभी तक हमने जो स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं ये एग्रीगेट प्लानिंग की वो एक तो लेवल स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेंट्री हमने यूज़ की है दूसरी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हमने टाइम ओवर टाइम अंडर टाइम यूटिलाइज किया है टू मीट द डिमांड और उसके अंदर फिर हमने कंडीशन डाल दी थी कि अगर ये मैक्सिमम ओवर टाइम से ज़्यादा डिमांड हो तो वो फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग में यूज होगी बट बेसिकली इट वॉज टाइम फ्लेक्सीबिलिटी स्ट्रैटेजी देर इज एनंदर वन विच इज चेंज स्ट्रैटेजी चेंज स्ट्रैटेजी क्या है बेसिकली uh, इसके अंदर हम जो डिमांड है उसको हम कैपेसिटी पर पीरियड उसको मीट करते हैं जितनी डिमांड है उतनी कैपेसिटी हम रखेंगे Uh, उससे ना ज्यादा होगी ना कम होगी दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड चेज स्ट्रेटजी वी चेज द डिमांड इसके अंदर चीज ये है कि क्योंकि ये हम चेज कर रहे हैं और कैपेसिटी हमने डिफाइन की हुई है बाय नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस के ऊपर तो उसके अंदर फिर हायरिंग और ले ऑफ जो है वो अच्छे खासे होगा किसी पीरियड में हायरिंग हो रही होगी किसी पीरियड में ले ऑफ हो रहा होगा क्योंकि डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है यूजली uh, जो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है उसके अंदर यूटिलाइज हम ये स्ट्रेटजी करते हैं क्योंकि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन जो है वो जैसे ही डिमांड आती है तो प्रोडक्शन शुरू होती है तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ चेजिंग द डिमांड इसके अंदर इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल पर होती है uh, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं होती क्योंकि uh, हमने जो फोरकास्ट की हुई है उसमें हो सकता है कि हमने फोरकास्ट uh, ज़्यादा कर दी हो और हम उसको चेज करते हुए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्चुअली डिमांड कम हो तो वो फिर थोड़ी सी इन्वेंट्री uh, रह जाएगी आपके पास तो वो तो अपनी जगह बट इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल के ऊपर होती है uh, इसके अंदर आइडियल सिचुएशन ये है कि जिसके अंदर जो जो आपने फोरकास्ट किया है एक्चुअली वही डिमांड हो तो फिर इन दैट केस देर विल बी नो इन्वेंट्री ये हमें यूज़ उस वक़्त करने का uh, ज़रूरत है जहाँ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बहुत हैवी हो अदरवाइज हायरिंग फायरिंग की कॉस्ट अच्छी खासी हैवी होती है तो इसको यूटिलाइज़ नहीं करते और इसके फिर uh, दूसरे भी डिसएडवांटेजेस हैं तो जिसको हम यूज आ, इस स्ट्रेटजी को फिर कम करते हैं लेकिन यह है कि जहाँ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस के अंदर फिर हम ये यूज़ करेंगे आ, इसमें रिस्क क्या चेस स्ट्रेटजी की बेसिकली एक तो ये है कि जो आपके इक्विपमेंट प्लांट और इक्विपमेंट है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बड़ी एरेटिक होगी क्योंकि डिमांड जहाँ बहुत कम हुई है तो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी सो so, ये बहुत फ्लक्चुएट करेगी नॉट लाइक लेवल स्ट्रेटजी जहाँ वो थ्रू आउट द पीरियड सेम यूटिलाइजेशन रहती है एम्प्लॉइज़ इनसिक्योर फील करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कि कल नेक्स्ट uh, पीरियड में डिमांड कम हो तो उनको फायर कर दिया जाएगा और उस बेसिस के ऊपर दे विल भी अनहैप्पी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फिर ज़्यादा बन जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि वैसे मेंटेन करने के लिए हमारे पास वो नहीं है हमने सिस्टम में नहीं रखा हुआ लेकिन अब हमें रखनी पड़ रही है क्योंकि हमारी फोरकास्ट ज़्यादा थी एक्चुअल डिमांड के मुकाबले में तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई तो वो तो वो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगी लेबर यूनियन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे क्योंकि लोगों को हम फायर कर रहे होंगे जो मार्केट डिमांड की अंडर एस्टिमेशन जो है उसके साथ जो रिस्क एसोशिएटेड है उस उसको एक सीरियस प्रॉब्लम आएगा ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन दोनों में एक केस के अंदर इन्वेंट्री बिल्ड होगी एक केस में सेल uh, आप लूज करेंगे तो इसलिए दैट विल बी अ प्रॉब्लम कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से चेंज uh, स्ट्रेटजी जो है वो एक रिस्की स्ट्रेटजी बन जाती है